अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल जब्बार लश्कर, अंजुमन इस्लाम हॉस्पिटल बोर्ड सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा निशान है डायमंड हीरा, मेरा सीरियल नंबर 4 है और वोटिंग का डेट है 18/2/2004 है। तो क्या तब्दीली के लिए आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं और क्या लोगों की ज़रूरतें हैं जो आप महसूस करके कंटेस्ट करने के लिए आ गए हैं? देखिए, तब्दीली तो बहुत सारी है वहाँ पर, जैसा कि ब्लड बैंक लाना है, स्कैन सेंटर खोलना है और आई केयर सेंटर खोलना है, और भी इसी तरह बहुत सारी तब्दीलियाँ लाना है। इंशाल्लाह ताला अगर मैं जीत कर आऊँगा तो इंशाल्लाह बहुत सारी तब्दीलियाँ लाऊँगा। तो ये कब ऐड करके बताओ कि अंजुमन इस्लाम पब्लिक, ये रिपीट करके रहे, मतलब इलेक्शन किसका है बोल के मालूम है? कुछ बोला था अंजुमन इस्लाम पब्लिक के इलेक्शन के लिए बोल के। तो और दूसरी क्या चीज़ें हैं जो आप हॉस्पिटल सेक्रेटरी के लिए आगे आए हैं इलेक्शन के लिए, तो वो क्या तब्दीलियाँ हैं जो लोग महसूस कर रहे हैं जो अब तक नहीं हो सके हैं, आपकी तरफ से क्या है, उसकी कोशिशें क्या होनी चाहिए? अंजुमन इस्लाम उबली हॉस्पिटल के लिए ब्लड बैंक लाना ज़रूरी है, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ब्लड बैंक लाना बहुत ज़रूरी है। आई केयर सेंटर खोलना है, स्कैन सेंटर खोलना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तब्दीली ला सकते हैं। तो अगर आप अकेले कंटेस्ट कर रहे हैं लेकिन दूसरी जानब देखो तो पूरी एक ग्रुप की शक्ल में लोग हैं, तो आप क्या अकेले इतना ताकत रखते हैं कि उन ग्रुप्स को मुकाबले में रखते हुए तब्दीलियों के लिए लाने में कोशिश करेंगे और कामयाब हो सकते हैं? जी, ये मसला ग्रुप का नहीं है, ये पोस्ट का मसला है। हॉस्पिटल बोर्ड सेक्रेटरी का पोस्ट एक मायने रखता है, ऐसा नहीं कि पूरा ग्रुप यानी अलग अलग पोस्ट रहते हैं उसमें हॉस्पिटल एक बोर्ड सेक्रेटरी का एक पोस्ट ऐसा है जिसको हम उसके बलबूते पर हम काम कर सकते हैं। तो उसमें और आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से इस इलेक्शन को लड़ा जाना चाहिए और लड़ा जा रहा है, और लोगों की जो ख्वाहिशें हैं कि तब्दीली की, लोग ख्वाहिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोग तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि तब्दीली लाना है, इंशाल्लाह ताला लोग तब्दीली लाएंगे अभी इंशाल्लाह। तो लोगों में दिख रहा है कि वो तब्दीली चाहते हैं? हाँ, लोगों में दिख रहा है तब्दीली चाहते हैं। अच्छा, तो और कुछ आप मैसेज देना चाहें उबली के लोगों को, किस तरीके से वो आगे आ सकते हैं? लोगों से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करके, इख्तलाफात ना करते हुए, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करते हुए इलेक्शन को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।